36वीं कहानी यीशु रू बदलून। एक दिना यीशु अपन 3 शिष्य पत्रस यहुन्ना और याकूबस अपन दगाड़ लियोच। यो यहुन्ना नामक शिष्य उ आदिम नातिन जैर यीशु मसीह भक्तिन फा दीना छो। उ प्रार्थना करुण खिन एक डाण में ग्योच। जब यीशु प्रार्थना करुमरेच त ऊक रूप बदल गयो और यीशुक मुख सूरजक न्याय चमकुन लाग छे और ऊ कपाल उजला न्याय चमकुन लाग्यान और इतुक सफेद है गया कि धरती में कोई धोबी इतुक सफेद न कर सकनो। और इन तीन शिष्युन ले पुरान जमाना द्वि परमेश्वर भविष्यवक्तान मूसा और इलियास यीशुक दगाड़ बात करुन दिखाई दियान। उन्होंने यीशु थे ऊक मौता के बारे में बात कर छे किले की ऊ जल्दी यरूशलम में मर जालो। यो सब देख बेरन पत्रसल यीशु था क्यों छे गुरुजी हमोर यहाँ रून ठीक छे, अगर तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 तंबू ठार करनू, एक तुमुन खिन, एक मूसा खिन और एक इलिया खिन। जब पत्रस यो कुन मरेच तब अचानक एक बादलस उनून ढक लीच परमेश्वरल बादल में भटे होबरन बात कर छे यो मेरो लाडिल चोल छे जैस देखभन में बहुत खुश हूँ। एक बात उन सुना शिष्य यो सुनभेन मुखाबल खिती गया और बहुत डर जनान। तब यीशु उनक पास आवरन उन्होंने छूच और क्योच उठा जन डरा। तब शिष्यों ले चारों तरफ नजर घुमाच और यीशु छोड़ के ने देख। जब ऊ 3 शिष्य जान भटे तल उतरुम रेज तब यीशु उन्होंने हुकुम दीच जब तक मैं आदमिक चोल मरीन में बटे जून न हूँ तब तक तुमुन ले जो कुछ पहाड़ में देख छे वो कैसे जन बताया।